गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड, पहले मैं टारगेट दे देता हूँ 2350 2390 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जाए, और हाइज अपने 2200 के क्रॉस करके मुझे लगता है कि हाइज बनाएगा, और अभी ऑलमोस्ट मतलब 2100 के लगभग ये स्टॉक होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया करेगी, जिस तरीके से एक पुरानी पेडिग्री वाली कंपनी गरवारे, हम जानते हैं जो बॉम्बे में रहते हैं उनको ज़्यादा पता है, और वैसे भी एक बेहतरीन कंपनी गरवारे की और भी दूसरी कंपनियों को मैंने रेकमेंड किया हुआ है। और आप देखिए सन कंट्रोल जो विंडो फिल्म से एक जबरदस्त ब्रांड है जिसको हमने सबने देखा है, और जो पुराना नाम था इस कंपनी का था गरवारे पॉलिएस्टर, पाइनियर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ पॉलिएस्टर फिल्म्स का, और 1957 से कंपनी कार्यरत है। सो स्ट्रांग पेडिग्री और पुरानी पेडिग्री और साथ में अच्छी क्रेडिट रेटिंग्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सोल मैन्युफैक्चरर है सोलार कंट्रोल विंडो फिल्म्स की इंडिया के अंदर, और दो कंपनियों में से आती है वर्ल्ड में जो कि यूवी स्टेबिलाइज्ड डाइट फिल्म्स बनाती है, और ओनली कंपनी विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो कि ये सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह बनाती है। सो सोलार से रिलेटेड कोई भी नाम लगता है तो वैसे ही कॉन्फिडेंस आता है, और कंपनी मार्केट लीडर है श्रिंक फिल्म मैन्युफैक्चरिंग में भी। सो ओवरऑल काफी अच्छा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर और काफी बड़ी मार्केट पोजीशन कंपनी लेके बैठती है, और एक पुरानी कंपनी और अच्छे ब्रांड्स और अच्छे इनके बायर्स अगर आप देखें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बाद अगर इनके जो ओईएम्स है वो बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम है उनमें भी, और एक्सपोर्ट अच्छा खासा कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। और मैं रेटिंग्स देख रहा था, दे आर वेरी स्ट्रांग, और आप देखिए अच्छी खासी इनकी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन से इनको मार्जिन्स में भी बेनिफिट मिला है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी प्रोडक्ट्स में ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 14% 15% से 18% की रेंज में मार्जिन पहुंची है। एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स, और अब मैं आता हूँ एक बार फंडामेंटल्स पे, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और कुछ इन्होंने अभी कैपेक्स भी किया, मैं इनके कॉन कॉल नोट्स पढ़ रहा था तो वहां पे भी अच्छा खासा इन्होंने कैपेक्स किया है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाने में भी काफी फोकस कर रही है। और अब देखिए कि 19-20% की सेल्स की क्या कर रही है पिछले 3 साल की, 18% की प्रॉफिट की क्या कर रही है पिछले 3 साल की, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, सारे कैपेक्स है तो वो कहीं ना कहीं इंटरनल एक्रूवल से आराम से हो रहे हैं, और 0.01% की डेट, यानी कि मतलब नेग्लिजिबल डेट, 19-20 करोड़ के डेट्स हैं। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स, 350 करोड़ का टॉप लाइन था मार्च 2023 में, अभी 450 करोड़ का टॉप लाइन है मार्च 2024 में, 43 करोड़ का पैट था और अब 58 करोड़ का पैट है, हाईएस्ट एवर पैट पे कंपनी बैठी हुई है, 200 करोड़ के पैट के ऊपर कंपनी निकल गई है, और यही रीजन है कि वैल्यूएशन सस्ते हैं, और टॉप लाइन भी बढ़ी है, और टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट टॉप लाइन हाईएस्ट बॉटम लाइन, प्रमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 61% की शेयर होल्डिंग है विच इज अगेन वेरी इंप्रेसिव, और साथ साथ एफआईआईज डीआईआईज भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं करीब 4.5-5%, और अगर आप रिटेल शेयर होल्डिंग देखें पब्लिक शेयर होल्डिंग तो वहां पे कुछ रिनाउंड नेम्स है जो कि इन्वेस्टेड है स्टॉक में, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक को लिया जा सकता है, और 2350 2390 के टारगेट्स के लिए।